Hey, what's up everyone, this is Shivam Grover. Guys, I would like to thank each one of you for making our song Toba Toba a massive hit. Today, in this video, I will show you Toba Toba's behind the scenes, background, mein kya kya hua, videos and audio ke bare mein sab kuch bataunga. तो गाइस स्टार्ट करते हैं ऑडियो से। ये गाना ऑलमोस्ट ढाई साल पहले बना था, 2019 के अराउंड बनाया था ये सॉन्ग, और उस टाइम पे सॉन्ग का नाम था चंडीगढ़ दियां कुड़ियां। तो हमने इसे ऐसे बनाया था, चंडीगढ़ दियां कुड़ियां फैशनदार मेरी माँ तौबा तौबा, हाथ विच मोबाइल बॉयफ्रेंड चार मेरी माँ तौबा तौबा। तो गाइस जब हमने ये बनाया था तो हमें सजेशंस मिली कि चंडीगढ़ की जगह आप कुछ ऐसा करो जिससे कि ये पैन इंडिया हो जाए, हर गर्ल हर बॉय सब लोग रिलेट कर पाए। तो हमने चंडीगढ़ हटा के आजकल किया कि आजकल दिया कुड़ियां फैशनदार मेरी माँ तौबा तौबा। बेसिकली आप सबको बताऊं तो ये ऑडियो एक फोक ट्यून है। काफ़ी सालों से घरों में शादियां जब होती हैं तो ढोलकी पे जब घर में लेडीज संगीत होता है तो तब इस ट्यून के इस टाइप के सॉन्ग्स बजते हैं। तो हमने इसका एक फ्रेश वर्जन, न्यू वर्जन विद न्यू लिरिक्स पूरा नया तैयार किया आज की मैरिजेस के लिए। फैशनदार मेरी माता बाता बा, अजकल दिया कुड़िया फैशनदार मेरी माता बाता बा, हाथ विच मोबाइल बॉयफ्रेंड चार मेरी माता बाता बा, हाथ विच मोबाइल बॉयफ्रेंड चार मेरी माता बाता। ओके, सो जब ये सॉन्ग दो ढाई साल पहले रेडी हुआ था तो उस टाइम पे ही इंट्यूशंस थी, बहुत पसंद था, मैं खुद ही 500-700 बार कम से कम सुन चुका था, तो खुद को एक आइडिया हो गया था हाँ ये सॉन्ग चल सकता है, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ सकता है। सबसे पहले हमने काफ़ी सारे सॉन्ग्स रेडी करे थे, टोटल हमने शायद 7 या 8 सॉन्ग्स रेडी करे थे। तो जब हमने अपनी टीम के साथ डिस्कशन किया कि हमें कैसे रिलीज़ करना चाहिए तो टीम ने हमें सजेस्ट किया कि क्यों ना हम इसको एज एल्बम रिलीज़ करें, एक पूरी एल्बम 8 सॉन्ग्स की, जो कि हमारी एल्बम रिलीज़ हुई है वाइटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लेवल अप के नाम से, जिसमें टोटल 8 सॉन्ग्स हैं जो कि आप अभी जाकर सुन सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स हैं और आप बताना ज़रूर आपको वो सॉन्ग्स भी कैसे लगे। ओके, सो जब ये सॉन्ग रेडी हो चुका था तो उस टाइम पे इसमें रैप पार्ट नहीं था, जो कि अब प्रधान भाई ने किया है। तो हम एक्चुअली पूरा सॉन्ग सुन रहे थे तो हमें सजेशंस मिली कि इसमें अगर रैप होगा तो और अच्छा लगेगा। तो ऐसे ऐसे प्रधान भाई के साथ डिस्कशंस हुई वाइटल के थ्रू, तो उन्होंने अपने रैप पार्ट भेजा, तो रैप जैसे ही इसमें ऐड हुआ तो गाने में 4 चांद लग गए और आप सब ने रिस्पॉन्स दिखाई दिया यूट्यूब पर कि गाना आपको कितना पसंद आया। सो ये गाना रेडी हुआ है गाइस चंडीगढ़ में, और मेरी बहुत आदत है, एक जिस दिन मेरा शूट होता है लास्ट नाइट मेरे को नींद नहीं आती, तो एज़ यूजुअल मैं पूरी रात जागता रहा और घूमता रहा और यही सब चलता रहा घर पे। बट नेक्स्ट सुबह जब 5:30 बजे का कॉल टाइम था, 6 बजे का कॉल टाइम था, तो हम वहाँ पर पहुँचे और कुछ नहीं था उस टाइम पर, बिल्कुल नॉर्मल एक फार्म हाउस टाइप था और कोई सेट नहीं बना हुआ था कुछ भी। अगर आप वीडियो में जितने भी सेट देखोगे, बैकग्राउंड जो भी है वो सब टेम्परेरली सिर्फ वीडियो के लिए रेडी किया गया है, थैंक्स टू वाइट हिल एंड ऑल द प्रोडक्शन टीम। मैंने बहुत मज़ा आ रहा है, बट रिशालिका बहुत अच्छा डांस कर रही है, तो मैं तो भी वधिया डांस का सिंक रिशालिका दे रही है, तो मैं नर्वसनेस हो रही है। वीडियो को डायरेक्ट किया है सेवियो एंड युग जी ने। पिक्चर कर रही है साथ में रिशालिका। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी सॉन्ग की, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि एक तरह से मेरा फर्स्ट बिग ऑफिशियल वीडियो सॉन्ग आ रही थी वाइटल के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्टिंग की कुछ देर एक घंटा आधा घंटा थोड़ा घुलने मिलने में लगा सबके साथ, न्यू सारा नए लोग थे, नया क्रू था, नए डायरेक्टर्स, फर्स्ट टाइम उनके साथ मैंने काम किया, तो घुलने मिलने में कम्फर्टेबल होने में आधा घंटा लगा। और उसके बाद सब कुछ फ्लो में होने लगा, बहुत अच्छा आउटपुट आ रहा था वीडियो में, बहुत मज़ा आया शूट करने में। मज़ा तो आता ही है साथ में, सब कुछ अच्छा भी आता है, बट बहुत बार प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, जो कि एक बहुत फनी इंसिडेंट मुझे याद है तौबा तौबा में जो हुआ हमारे साथ।
उसमें ये था कि हमने बेसिकली सॉन्ग को 2 दिन में शूट किया है, तो उन्हीं 2 दिन सेम कपड़े थे, लाइक आज जो कपड़े डालने हैं कल भी वही कपड़े डालने हैं, बट नेक्स्ट डे वाले शूट में मेरा एक ट्राउज़र खो गया था, तो शॉट हमने सेम लेना था, सेम कलर चाहिए था, वो भी स्काई ब्लू कलर का ट्राउज़र्स, जो कि शूट पे पहुंचने के बाद हमें बैग खोलने के बाद पता लगा कि वो नहीं पड़ा, वो कहीं पे मिसप्लेस हो गया फर्स्ट डे के शूट में। ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੰਨੀ ਟੋਰ ਸ਼ੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਬੈਚਲਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦੀਪਕ ਭਾਈ ਐਂਡ ਚੰਨਾ ਭਾਈ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਜਾ ਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕਲਰ ਕਾ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਲਾਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਕਾ ਫਰਸਟ ਕਟ ਆਇਆ ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ ਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ एक्साइटमेंट भी थी बट बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी कि क्या होगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद इतना बड़ा ओरिजिनल आ रहा था और समझ नहीं आता उस टाइम पे, लगता है कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, प्लस कुछ लीक से हटके भी सॉन्ग है तो लाइक लिरिक्स भी इसकी अलग हैं, इसका हमने वाइब पूरी ओवरऑल वाइब पूरे सॉन्ग की अलग रखी है, बट आप सब ने दिखा दिया कि यार आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया, और आप सब और भी आगे मुझे सजेशंस दे सकते हैं मेरे सोशल मीडिया पर कि मुझे किस टाइप के सॉन्ग ज़्यादा करने चाहिए, सैड रोमांटिक पेपी मैरिजेस वाले जैसे भी। एंड थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने इस सॉन्ग पर रील्स बनाई, बेसिकली वी आर अबाउट टू हिट 5 लाख रील्स ऑन इंस्टाग्राम, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जिसने भी इस पर रील बनाई है, चाहे उसके 10 व्यू हैं, चाहे उसके 10,000 हैं, चाहे उसके 10 मिलियन हैं, बस जिसने भी इस पर वीडियो बनाई है उन सबको दिल से थैंक यू। ओके गाइस, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं, और आगे आने वाला कंटेंट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इन कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके व्यूज़ क्या हैं इस सॉन्ग को लेकर, इस वीडियो को लेकर, और आप आगे क्या क्या कॉन्टेंट चाहते हैं। थैंक यू सो मच, स्पेशल थैंक्स टू गुनबीर सर एंड सनी सर। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਇਟਸ ਗਰੋ ਅ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਾਰੂ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਹੋ।